हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट। आज हम लोग फ्रेंड्स क्लास टेंथ के साइंस में मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है आपका, किसमें बनता है फ्रेंड्स, समतल दर्पण में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होगा, है ना। तो डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता का मात्र क्या होता है फ्रेंड्स, डायोप्टर होता है ना, डायोप्टर होता है। लेकिन उसका हर हमेशा कितना होता है कि उसमें मीटर में ही रहता है ना, उसका जो फोकस दूरी क्या रहती है, मीटर में ही होता है। तो डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी आपका 1 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं, है ना। जैसे कोई भी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, ऐसा कौन ऐसा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, लाल रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, जैसे प्रकाश का किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ऑप्शन नंबर ए है बैंगनी, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है लाल, ऑप्शन नंबर डी है पीला। तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, लाल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए आपका किस लेंस का व्यवहार होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध, देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है इस पर, है ना, कि बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछा जाता है आपका, है ना। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका R बराबर V अपॉन I, है ना। ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में धारा वाहक होते हैं, धातुओं में धारा वाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर A है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर B है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर C है कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं में धारा वाहक जो होते हैं क्या होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, परिपथ में विद्युत धारा की माप आपका किससे की जाती है, तो इसमें हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमीटर से। जैसे क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई भी परिपथ में विद्युत धारा की माप यानी एमीटर से किया जाता है, है ना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, जैसे क्या होता है कि हम लोग जो विद्युत फ्यूज का यूज करते हैं तो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर वो कार्य करना स्टार्ट कर देती है, तो क्या हो जाएगा, उष्मीय। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, किस पे, उष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा आपका प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है डिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यावर्ती, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जैसे कि हम लोग फ्रेंड्स कि घर में बल्ब जलाने में कोई भी बैटरी का यूज करते हैं उसमें कौन सी धारा रहती है, है ना, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट धारा है, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट करेंट रहती है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, है ना, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल यानी उदाहरण नहीं है, है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है
शानदार क्वेश्चन ये भी है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है उसमें कौन सी होती है, आपका सौर ऊर्जा होती है ना। क्या होती है? सौर ऊर्जा होती है, उसको हम परमानेंट ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवकारक है, निम्न में से कौन अवकारक है। तो क्या हो जाएगा उसमें? हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। अवकारक मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन त्याग कर दे, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक बिलियन का मान देता है। जैसे वो जो पीएच का जो कौन सा क्षारक बिलियन का मान आपका देता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन ये भी है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3 × 5H2O, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 × 7H2O, ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3 × 2H2O। तो इसमें हो जाएगा कौन सही है, तो इसमें हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन ये भी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है लाइकेन से, ऑप्शन नंबर बी है लाल पत्ता गोभी से, ऑप्शन नंबर सी है हल्दी से, ऑप्शन नंबर डी है पेटूनिया फूल से। तो लिटमस रंजक बैगनी रंग का जो होता है उसमें कहाँ से निकाला जाता है, तो क्या हो जाएगा? लाइकेन से, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से आपका कौन सा पदार्थ बनता है, तो क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। जैसे NaCl का जो पीएच मान आपका होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है? 14 होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा आपका है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, है ना। ये जो फ्रेंड्स यानी कि बहुत बार पूछा गया आपका बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ZN से अभिक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद बन जाती है, तो इसमें हो जाएगा आपका Na2ZnO2+H2O, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल है, तो ऑप्शन नंबर ए है धातु, ऑप्शन नंबर बी है अधातु, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी है उप धातु। तो पीतल जो होता है क्या होती है? मिश्र धातु होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमियम अधातु की अवस्था होती है, क्रोमियम अधातु की अवस्था होती है, तो क्या होती है आपका? द्रव होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के तीन आबंध है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के तीन आबंध होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका C3H4, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का आपका रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा? C12H2O11, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, CH3COOH एसिटिलीन का हो जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C12H2O11 चीनी का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एच ई जो हीलियम का जो संकेत होता है, रासायनिक संकेत है ना, तो उसके परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।